क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एपी में सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू एम ए और सम ऑफ एन एम टर्म्स इक्वल्स टू एन ए। अब क्या प्रूफ करना है हमें, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स क्या होगी, इक्वल्स टू माइनस एम प्लस एन। तो पहले जो फॉर्मेट है उसको बनाना, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू टू ए प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया एम। यहां तक क्लियर बेटा? अब इससे अगर हम इक्वेशन बनाए, ये एन बाय टू को हमने वहां शिफ्ट कर दिया, सो क्या बन जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू टू एम सॉरी टू एम बाय एन। क्लियर? इसी तरह एस एम हमें क्या गिवन है, एम, सम ऑफ एम टर्म्स क्या गिवन है एन, तो उससे क्या बनेगा एम बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन सॉरी एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन। और इसको भी हमने वही शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, टू एन अपॉन एम। यहां तक समझ में आया बेटा? तो ये दो इक्वेशन हो गई आपके पास। अब इसमें हमने क्या कर दिया, सपोज एलिमिनेशन, ठीक है, हमें देखो फाइनली क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स। तो हमें एपी में ए और डी पता होना चाहिए, तो ए और डी निकालने के लिए हमने इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आपकी ए की टर्म कट जाएगी, टू ए माइनस टू ए कैंसिल हो गया, डी के अंदर क्या हो जाएगा एन माइनस सेवन माइनस एम प्लस वन, हमने डी कॉमन ले लिया इन दोनों से और इनको अंदर अंदर माइनस करा दिया, एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे भी एलसीएम लिया हमने, तो क्या बन जाएगा एलसीएम आपका एम एन बनेगा एलसीएम आपका या एन एम, ठीक है, यहां पे एम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? ब्रैकेट के अंदर माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो गए, एन माइनस एम बचा, इधर हमने टू कॉमन ले लिया और एम प्लस एन एम माइनस एन कर दिया इसे बेटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन रहा था, ठीक है, और अपॉन में एम एन, ठीक है, डी यहां पर है ना, ठीक है, अब डी निकालना है हमें, तो एन माइनस एम को वहां शिफ्ट कर दिया डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू टू एम प्लस एन एम माइनस एन डिवाइडेड बाय एम एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एम। अब ध्यान से देखो, एम माइनस एन और एन माइनस एम क्या है, आपस में अपोजिट है, माइनस वन, ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन, ठीक है, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, टू ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस आया, तो माइनस हमने आगे कर दिया माइनस टू अपॉन एम एन। यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसके बाद ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोई भी इक्वेशन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहां पे हमने पुट कर दी, माइनस टू ब्रैकेट एम प्लस एन होल अपॉन एम एन इक्वल्स टू टू एन, किसमें, इसमें पुट कर रहे हो तो टू एम बाय एन, ये कर दिया हमने, क्लियर। अब ए की वैल्यू निकाल ली हमें यहां से, जब ए की वैल्यू निकल जाएगी डी की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स हम निकाल देंगे, ठीक है, जो कि ये आ जाएगा आपका।